الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب موحد مسلمان بزرگو میرے غیور موحد نوجوان بھائیو السلام علیکم سردی دے دن ہن دن مختصر ہوتا ہے وقت تھوڑا ہوتا ہے اساں اتنا طویل سفر کر کے تساں مخلصین دی زیارت دا اشتیاق لے کے حاضر خدمت ہوئے ہے اے مختصر وقت زلفی دکھائے ایسی چیزیں کر چھوڑیے تو پھر آئے تو فائدہ کوئی نہیں مقصود ہے تانوں اللہ دا قرآن سناونا تو اس واسطے اگر اتنی تساں محنت اور کاوش کردے ہو اتنے جمع غفیر مسلمانہ دا اجتماع ہے تو پھر خواہشات اپنی ترک کر کے تے فضولیات نو چھوڑ کے جڑا مقصد ہوندا ہے جلسے دا اس نو مد نظر رکھنا چاہیے دا علماء کرام تو تواڈے علاقے دے اندر بھی ہیں خطیب بھی ہیں مقرر بھی ہیں سانو دورو بلاون دا مقصد اے ہو سکدا ہے کہ ہو سکدا ہے ساڈے الفاظ اللہ پاک ساڈے منہ چوں ایسے ظاہر کرائے جس دے سنن نال اللہ کسے تھڑکے ہوئے نو ہدایت نصیب فرما دے ورنہ نہ ساڈے کول کو قرآن نواں تے نہ کو دین نواں الحمدللہ اتھو دے علماء کرام کولو بھی تسا قرآن و سنت دے واسطو مستفید ہو دے رہن دے ہو مگر اے ہے کہ ہر پھل دی اپنی خوشبو ہو دی ہے اس واسطے میری مختصر وقت دے اندر ایک دو گزارشات نو تھوڑا جیا غور و فکر نال سنو سمجھو موقع تے بے شک فیصلہ نہ کرو سنن دے بعد گھر جاؤ خلوت تے تنہائی دے اندر بیٹھ کے غور و خوض کرو پھر تہاڈا دل جیڑا فیصلہ کرے البتہ اے ہے پھر اس فیصلے دے پابند ہو جاؤ
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब तो पहला जड़ा इस इंसान ते एहसान फरमाया ओ हे वजूद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक लख 24,000 या कमो बेश अंबियाए किराम बहसीयत नबी दे दुनिया ते तशरीफ ले आए, मगर सोना मुहम्मद मासूम व मखदूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बहसीयत नबी बन के नहीं आए, बल्कि अल्लाह दा एहसान बन के दुनिया ते तशरीफ ले आए। और अल्लाह ने फिर सोने पैगंबर ते एहसान फरमाया, मुहम्मद करीम तो साढ़े वास्ते एहसान बन के आया ना, फिर अल्लाह ने सोने मुहम्मद करीम ते एहसान फरमाया कि सोने महबूब दे कल्बे अतहर ते लोहे महफूज तू मुंतकिल करके नुज़ूल कुरान फरमाया। फिर नबुव्वत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी रफत और रहमत देखो कि नुजूल कुरान वाला एहसान और बेसत खैरुल अनाम वाला एहसान यानी वजूद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला एहसान, इन्ना दोवां एहसाना नूं सोहणे मुहम्मद करीम ने अपनी उम्मत दे सामने खुल के जाहिर फरमा दिता है ताकि मेरी उम्मत नाल ताल्लुक रखण वाला कोई उम्मती भी रब दे इन्ना दोवां एहसानात दी बरकात तो महरूम न रहे। अपनी अमानत दयानत नाल दसो, चाहे जिस मजहब दे तुसा लोग हो, इंज दा मुखलिस तरीन आदमी दुनिया ते तुहानू को पीर या मौलवी नजर आया? पीर दे अगू रोटी रखो चा, भावे अगू गरीब 8 दिनों दा भुखा मुसाफरी बैठा होए, ताई पीर ओनू सत करना भी गवारा नहीं करना, बल्कि वह बेचारे हजरत और चूंडियों या हड्डियों चा के चुमना चटना ही तबर्रुक समझ रहे हैं। मगर मेरे मुहम्मद मासूम की सिफत कमाल ये है, अजीजुन अलैहि मा अनितु, अपने तो अपने रह गए, किसे दुश्मन नूं भी रोंदियां वेख के सोना मुहम्मद बर्दाश्त नहीं करता। जब तक सोना मुहम्मद करीम ओनू हसा न लिया, ओ थोड़ी सोने मुहम्मद दे बेऐब ते बेमिसाल दिल नूं सकून नहीं मिलता। ऐसा रहीम व करीम पैगंबर अल्लाह ने बहसियत एहसान दे इस उम्मत नूं नसीब फरमाया। तुसा खुद अंदाजा लगाओ, एक बंदा 70 साल की जिंदगी दा है, 70 साल वो हिंदू रहा, सिख रहा, ईसाई रहा, यहूदी रहा, अजा उस सोने मुहम्मद करीम का तारो भी हासिल नहीं किया, खाली उसने सोने मुहम्मद का कलमा पढ़ाया गया, उस पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह
पढ़ो चक्कर मालो तुसा तो मुसलमान हो तुहाडे विच तो कोई सिख नहीं बैठा ना तुसा खुश हो के पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़िया हूं वो हिंदू नहीं रहा ईसाई नहीं रहा वो सिख नहीं रहा अल्लाह फरमाता होगा सम्मा कुमुल मुस्लिमी खाली मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़िया ही तेरा ना ही मैं रब मुसलमान उदा ना अल्लाह के रखता है सिर्फ खाली मेरे मोहम्मद करीम का के पढ़िया सर कलमा पढ़िया जदो उस मुहम्मद करीम दा तारफ हासिल करके जिंदगी बसर करनी शुरू करे सी खुद सोचो कि उस मुसलमान नो अल्लाह कितना उरूज ते इज्जत ते अजमत ना लवा दे शुक्र करो कि अल्लाह ने सानू कलमा मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना नसीब फरमाया हूं तो एक बार उच्चा वाचा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खैर बहरहाल जिस पैगंबर दे हिक हिक साह सा बाहर निकले सा अंदर जावे हिक हिक साह दे नाल अल्लाह सोहले पैगंबर ते अपनियां दौड़ियां रहमत नाज़िल फरमाए इंज नहीं समझ आवे सा बाहर निकले अल्लाह ने बुक भर के मुहम्मद ते रहमत दा सद छोड़िया अंदर गया है अल्लाह दो बुक भर के रहमत के साथ छोड़े रात सा बहर आया है अल्लाह त्रै बुक रहमत के साथ छोड़े अंदर गया है रात चार बुक रहमत के साथ छोड़े यानी हर सा नाल अल्लाह अपनी रहमत का इजाफा करता जा रहा है जिस पैगंबर ने एक एक साथ रब की रहमत की बारान बरस रही हो पैगंबर जदा जिस कौम उम्मत को मिल जाए ताई अल्लाह फरमांदा कुन तुम खैरा उम्मतिन ओ मैनू रब होवण दी कसम है सारे पैगंबरां दीआं मन्नण आलीआं कौमां ते उम्मतां रल के आ जावे ते इत्तो मेरा मुहम्मद दा उम्मती खलोता वे चिचड़ी जबान वाला बिलाल ते वक्त कोई मेरे को पुछे जी शान किस दी ज्यादा है अल्लाह फरमांदा सारे पैगंबरां दीआं कौमां एक पासे हो जावे ते मेरे मुहम्मद दे अदना तो अदना गुलाम बिलाल की शान नाल ही मुकाबला खोल रही है नारायण तकबीर जज़ाकअल्लाह क्यों उसकी वजह यह है कि जेड़ा मुअल्लिम ते मुर्शिद बिलाल नु मुहम्मद जैसा मिले है ऐसा मुर्शिद और किसे कौम नु नसीब नहीं है हुण दसो असा खुश नसीब हां कि नहीं बोलो तो सही बात अल्लाह ने साडे उत्ते सोहणे मुहम्मद करीम नु भेज के एहसान फरमाया कि नहीं फरमाया हे एहसान करमालो एंया ही तो करो जा रहे एहसान है ते जेड़ा बंदा होंदा है ना होवे बंदे दा फल ओ कदी एहसान फरामोश नहीं हो सकदा हो सकदा है हैं नस्ली ते खानदानी बंदा कदी एहसान फरामोश नहीं हो सकदा कमी ते कमीना ते दल्ला बंदा होंदा है कि किसी दे कीते होए एहसान दी कदर ही ना करे कंध कर जाए अल्लाह फरमांदा है ते जेड़ा वत मेरे मुहम्मद जैसे एहसान दी बेकदरी करे जा या उसकी इज्जत ते कदर ना करे या एहसान फरामोश हो जाए मेरा मुहम्मद ओदे वास्ते भलाई वास्ते सड मरे अंदर आए ओ वत भी कंध करके वेंदा पिया होवे मेरा मुहम्मद करीम ओनु रहमत दी झोलिया भर भर के देवर वास्ते पिछो सड मरे अंदर रह जाए वत भी ए मुल्ला ते पीर दी झोली च वंज के पांदा है दुनिया का दल्ला बन सी के ना बन सी ए इंसान नहीं सड़ा सकता इंसान हो सी पानी नाल रोटी खा ले सी मगर मुहम्मद जैसे वजूद इंसान दी बेकदरी कदी कर सकता बिल्कुल नहीं करे सी हुण तुहाडी धौण च किला ठोक गया ना इंज कर रहे हो ना इंज कर रहे हो
सोड़े मोहम्मद तू वद के एहसान रब दा होर। बोलो अल्लाह फरमाना तू मेरे इस एहसान की कदर कर। हल जजा उल एहसान इल्ल एहसान फाबी अय्ये आला ए रब्बी को मा तकज़िबा। तू दुनिया पे मेरे मोहम्मद एहसान की कदर तू करके दिखा। दिल की अम्मत ने जब तू हसे हसा भी तेरे इज्जत ने बुर के पवावार की इंतहा कर दी। सोने मोहम्मद पाक दी इज्जत करे सो जेड़े पक्का इरादा कीती बैठे ओ हाथ खड़े करो। सज्जे खब्बे विखा मत को हिंदू बैठा होवे साडे पैगंबर दा दुश्मन सा उच्चा बड़े हाथ लम्मा करो। खैर ता ही नहीं कोई हाथ कपींदा तो नहीं पिया। ए भी ताईद है सोने मोहम्मद रसूल दा। तो सा मेरी ताईद नहीं कर रहे नहीं से वास्ते अक्सर अर्ज करता होला। मेरे बाप की भी बड़ी खिदमत है दीन का बड़ा काम किया है। 50 साल मुतर के रब का कुरान सुनाया है मगर जिथे मुआमला आवे इज्जत है मोहम्मद रसूलुल्लाह दा उठे भावे अल्लामा अहमद सईद खान रहमतुल्लाह अलैह वरगे करोड़ा दी रल के आ जावे मेरे मोहम्मद दी तो ठुकरा भी कोई नहीं मिल सकता। क्योंकि कयामत तक अगर एहसान अजीम बन के आया है तो मोहम्मद करीम बन के आया है। अल्लाह ने वल सोले मुहम्मद ते एहसान ए फरमाया कि ओदे मासूम दिल दुते कुरान दा नुज़ूल फरमाया। केड़ी किताब दा नुज़ूल फरमाया? मैं नहीं कह रहा अल्लाह खुद फरमांदा है नज़लहु अला कल्बिक। मेरा सोना असा कुरान नु सीधा डायरेक्ट ते मुहम्मद दी दिल लाली तख्ती जमा फरमा दे। ते क्यों दिता है सोड़े मुहम्मद करीम को मिन्नत ते तरलिया नाल लिया कुरान पाक रो रो के लिया। अल्लाह फरमांदा मेरा सोना सानू पहले दिन तू ही पता है जदा असा तेरे वजूद नू तखलीक फरमाया है असा तेरे दिल च नक्श भी ऐसा भर दिते हैं कि अगर साढ़े दिल भी बनी हुई सोड़े मोहम्मद करीम दे वजूद बावजूद दे अंदर तख्ती इस दे अंदर अगर समा सकता है तो सिर्फ रब दा कुरान समा सकता है। सानू पहले दिन तो पता आई कि मेरा मोहम्मद करीम दुनिया की हर तकलीफ हर दुख नाल मत्था लगा के टका तो सकता है। कभी मेरा मोहम्मद साढ़े एहसान कुरान नाल गद्दारी कर सकता है? सुनियार जेड़ा होंदा है वो मुंदरी दे अंदर नग वेख के पैंदा है। वो वेख है पे इस सच नग केड़ा ठुकड़ा है। अल्लाह फरमांदा है असा भी मोहम्मद दे दिल वाले खाने दे विच नग ठुकाया है तो कुरान वाला ठुकाया है। सानू पहले दिल तो पता आई के इसने ठुकड़ा है तो मोहम्मद दे दिल च ठुकड़ा है। तो क्या ख्याल है भाई थोड़ा जिया खोलिए रब दे कुरान पता तो अलग सही कि मोहम्मद एहसान दी इज्जत करने वाला कौन है तो बेअदब कौन है। इंजे ना मैं पहले समझाया है जरा खानदानी बंदा होंदा है वो एहसान फरामोश। बोलो इस वास्ते आज फतवा काफिर ते मुशरिक वाला कोई नहीं होगा। जेड़ा मोहम्मद की बेअदबी करे सी ओदा सत्ता जिले च प्यो कोई नहीं हो। बंदे नु अगर आके बंदा बनाया तो सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह मंदे इस गल नु अज बरेलवी दी बंदियां वाली गल कोई नहीं आवड़ी। अज वेखड़ा ए है कि मोहम्मद एहसान की कदर करने वाला कौन है। ठीक है अल्लाह अल्लाह भाइयो तअस्सुब दी ऐनक जिस बंदे ने पा ली हो उस दी ऐनक तो खुद मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं उतार सकता। मैं किस बात भी बोली हाँ मुहम्मद करीम उत्ते रोंदे खलें ते वत वत खले आदन चाचा होठ हलावे हा जा ओ हाथ जो लगा हिंद अल्लाह
ताकि दिन के अम्मत दे रो रो के ते चाचे दी मैं मुहम्मद तक वाही देवा के अल्लाह साईया कलमा तो पढ़ छोड़िया हस हो लड़ाई करना ते जेड़ा करना केड़े काम दा अल्लाह मेरे चाचे ने सोटिया सर छोड़िया मगर मोहम्मद करीम रोंदो या वापस मले आए। अल्लाह ने फरमाया सोरा रोंदा क्यों है तेरे आंसू बड़े कीमती हैं कहे बंदे ते रोए हा ते तू जिस पीछे रोंदा पे अल्लाह तहदी मन अहबता वलकिन अल्लाह यादी मन यशा मेरा मोहम्मद तेरी पसंद नाल हिदायत नहीं मिलती हिदायत मैं रब उन्हानु देना जिन्हां दे दिल नु पसंद करण वाला कौन होगा। अल्लाह 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 दे महबूब मुहम्मद मासूम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुखलिसाना मेहनत शुरू की मगर उन्होंने दौरे नबुवत दे अंदर भी कुछ ऐसे लोग हन जेड़े सोड़े मुहम्मद करीम नू मुतशद्दिद समझदे हन भई ए मुहम्मद बड़ा सख्त है। ये क्या है? सख्त रवैया रखना है ते इंज दी सख्ती नहीं होनी चाहिए। दीन च क्या होनी चाहिए बोलो तो सही जो नहीं चाहते दीन च क्यों होनी चाहिए नरमी होनी चाहिए सारे रल मिल के गुजारा करिए ताई तो सोबता का रिवाज है ना तुहाडे विच सोबत बनाई दियो तो उदा मकसद क्यों होंगे सारे परात दे बारो कीड़े मकौड़े कट्ठे करके बैठे होते हैं इसे सोबत इसे वास्ते करे तो के करिए सारे रल के ए नहीं वे दे ए घुसले हो या नहीं है बार कट्ठे उन्हें भी सोच भी इंजे हाई सारे रल मिल के गुजारा करिए ए मुतशद्दिद है सख्ती करता है। अच्छा मैंने ये दसो सोड़ा मुहम्मद करीम अगर सख्ती करता है जिमें कि इस बात की शहादत रब का कुरान देता है तो जो तरबीयत मुअल्लिम दी होनी है उस तरबीयत का शागिर्द ते असर जाहिर होना है। ये मुहम्मद करीम मुतशद्दिद है तो फिर शागिर्द की सफाई भी कुरान आता है अशिद्दा हो अलल कुफार मेरा मुहम्मद मुसलमान वास्ते मुतशद्दिद नहीं काफिर ते मुशरिक वास्ते मुतशद्दिद है। जिवे मुहम्मद की तरबीयत मिलती गई है मिन्नो अन 100% उस तरबीयत का रंग चढ़िया है उस तरबीयत मुस्तफा का नमूना बने हम तो सहाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह अशिद्दा ओ अलल कुफार उन्होंने अंदर भी सख्ती आ गई तो खैर बहरहाल सोने मुहम्मद करीम की महफिल के अंदर बैठे होंगे बज़ाहिर सिर धनने बड़े बड़े माशाअल्लाह मुहम्मद जिस टाइम तो कुरान पढ़ना है ना दिल साढ़े मोह लेना कई इंज दे विच बैठे होंगे खुशामदी किस्म के सोना मुहम्मद करीम जो कुरान पाक पढ़िया अल्लाह पढ़ीवन वाला कुरान हो पढ़न वाला मुहम्मद रसूलुल्लाह एक बारी तो दिल दियां कलियां फट वैंदियां सुनण वाले दियां उठी के आवे ना मुहम्मद करीम दी मोहरे नबूवत तो मोढ़े तो बोसा लवे ना बल्ले 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 सुभान अल्लाह मुहम्मद कमाल कर दी है तू मगर सोना मुहम्मद करीम इमाम कायनात बन के आया है अल्लाह करीम दुनिया का सेहरा उन्होंने पवाइंदा जिन्हां दे अंदर उन्हां चीज़ां दी सलाहियत मौजूद होती है। अल्लाह दे महबूब नूं हर बंदे का पता लग पैंदा है जी इह किहो जिहा बैठा है किहो जिहा बैठा है किहो जिहा बैठा है अल्लाह दे महबूब नूं तो पता होंदा है भई इह हिन तां सारे खुशामदी उत्तों उत्तों चुमदे बैठन विचों विचों इन्हां दे दिल दे अंदर सूर लां कीती बैठे उतो उठे घर गए जिस वक्त विच बैठे जिवे जिवे सोना मुहम्मद करीम उन्होंने कुरान पढ़ पढ़ के सुनाईंदा गया वह अगू के आखिर तात सरे खम तस्लीम है जो मिजाज है यार ऐ मोहम्मद तू जो आखे तात मर वैसा है तय मोहम्मद की ना फरमा दी न करे हूं बजाहिर
سونے محمد دا کلمہ پڑھن والے بظاہر محمد کریم دے سامنے دعویٰ کرنے والے طاعتن اسا بالکل تیری اطاعت تے فرما برداری کرے سا فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ جَدَا تیرے کولوں الگ ہوندن تیرے کولوں بزرگو جیندے بیٹھے ہو اچھا اچھا سوچی انج پیا بیٹھا ہے ملوں مطلب بیڑی بوڑ کے آئے بیٹھا فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ جَدَا تیرے کولوں مِنْ عِنْدِكَ تیرے کولوں بَرَزُوا جدا ہوندن کے ہوندن بولو اتھائیں ایک مسئلہ سمجھاواں چاہو سمجھے سو کے کوئی نہ اللہ کریم فرماندا ہے من اندے کا تیرے کولوں جدا ہوندن تیرے کولوں الگ ہوندن مطلب یہ ہے کہ سور محمد نو اگر او حاضر تے ناظر منیندے تا جدا محمد کولوں کتھوں ہو سکدے ہو سکتے کیونکہ محمد تو ہر جاتے حاضر بھی ہے مگر اللہ دا تیرے کول کے ہوندے نا جدا ہوندے معلوم ہوندا ہے محمد ہر جاتے حاضر ناظر ہے بولو نا یار اللہ کریم فرماتا فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غير الذي تكون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله کریم فرماندا ہے میرا سونا پیغمبر جد تیرے کول الگ ہوندے جدا ہوندے اس وقت بیعت یہ ادھر تے سارے مالی تے پیر کٹھے ہوئے دے تے اس وقت مشورے کرنے شروع کر دے کیڑی گل دے کیڑے مسئلے دے غیر اللذی تقول جڑیاں گلاں قرآن والیاں تیرے کولوں سن کے آندے مطلب کیا ہے مشرک نو قرآن چنگا نہیں لگتا غیر الذی تقول جڑی دن تیرے کول قرآن والیاں گلاں سن کے آندے اس دے خلاف بہ کے مشورہ کرے تھے کہ محمد دی گل دا کیویں توڑ کرنا چاہیے محمد رسول اللہ دے قرآن والے حکم دا کیویں مقابلہ کرنا چاہیے محمد رسول اللہ تے جڑی گل وی قرآن دی کریں گا دو کریں گا تے جے ای ریت چلدی رہ گئی تو سمولیاں نو پوچھنا لا دنیا چ کوئی نہیں آنا اے حضا محمد رسول اللہ دے خلاف انج دا محاذ کھڑا کرنا چاہیدا ہے تاکہ لوگ محمد رسول اللہ کو بد زن ہو جاویں لوگ سمجھن کہ محمد وڑی سختی کریں گے لوگوں نو سائے کی پیراں فقیراں تے اولیاء اللہ دا مخالف ہے بیعت طائفتن منہم ادھی راتی بہ کے میرا محمد تیرے خلاف اے مشورے بیٹھے کرے دیو دے مگر تینوں تو پتہ کوئی نہیں آندا کہ اے تیرے خلاف کے گلا بیٹھے کرے دیو دے واللہ یکتب ما یبیتون
नहीं आए। तो इन्हां दुश्मनां दीआं गल्लां नूं सुण के परेशान ना होया कर, तेरे जिम्मे कम केड़ा है, तू गज के मेरा कुरान पढ़ पढ़ के सुणदा वन, तू मेरे कुरान की तबलीग करदा वन, तू मेरे कुरान नूं खोल के सुणदा गया कर, बाकी जिहड़े तेरे खिलाफ कुरान पढ़ पढ़ के सुनाईदा वन, तेरे दुश्मन जाने ते मैं जाना। के मतलब अल्लाह फरमांदा जेड़ा मेरे मोहम्मद दे वजूद दी ते मेरे कुरान अले एहसान दी कदर कर लाए, ओ दी कदर ते इज्जत दी चादर में अल्लाह खुद नाज़िल फरमांदा। ते जेड़ा होंदा है ना सामने आके सीधा सावा कुत्ता पट्टण आला, ओ इतना खतरनाक नहीं होता। जेड़ा छुप के पिछू पवण आला होंदा ओ बोलो तो सही यार, क्योंकि सामने आवन वाला इंजन समझो दुश्मन नितर के आंदा पे है। बंदा कोई ना कोई अपना दिफा कर सकता है, ते जेड़ा छुप के पीछे बोलता है वो संभलण दा मौका ही नहीं देता। अल्लाह फरमांदा है मेरा सोना पैगंबर भावे तेरे को सामने नितरे दुश्मन होवे या चोपला कुत्ता बन के तेरे पट्टा आला होवे, तू मेरे कुरान नु पढ़ पढ़ के सुनाईदा वन, तेरे हर दुश्मन दा तौर ते मुकाबला मैं अल्लाह खुद तेरे जिम्मे काम केड़ा तो साढ़े कुरान नालू फुटना, बोलो तो सही यार, क्योंकि मेरा सोना एक कुरान अल्लाह तोहफा तेनू देवना, ए तेरे उत्ते मैं अल्लाह दा एहसान अजीम है, साढ़े एहसान दी कदर तू कर, तेरी कदर दे अंदर मैं अल्लाह कमी आवां। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह करीम ने दस दिता, अल्लाह ने दसे ही ताई है क्योंकि परदे दिया हालत नु जानने वाला कौन आई, बोलो बैयता अल्लाह मा युबैतूना, मेरा मोहम्मद मुखालिफीन दे मशवरे होते रस, केडा सोहना अल्लाह जवाब दिता फआरिज अनो, पर चखे कर इना दी कोई हैसियत ही नहीं, भरोसा कहते रख। बोलो यार अल्लाह फरमांदा मेरा मोहम्मद समझे मैं तेन एक मसाला पिया समझा, तो जो कर अल्लाह फरमांदा तेरे दुश्मन भावे अखी राती तेरे खिलाफ जो मनसूबे बनावे तेरे जिम्मे कम है तवक्कल अल्लाह, हर वक्त तू भरोसा ते उम्मीद कहीं ते रखे। बोलो ओ जेड़े मन वाले बोलो उच्ची आवाज नाल, तू उम्मीद कहीं ते रखे, जदा पैगंबर उम्मीद भी रब ते रखे ते वत यहूदिया यहूदी दिया धीया दे मंत्र जादू मेरे पैगंबर ते चल जावे, ए सोच कोई यहूदी उन नस्ल तो पैदा कर सकता है, कभी मेरे मुहम्मद दे वजूद उत्ते किसे दा जादू असर कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने पैगंबर नु समझाया है कि हर दुश्मन नाल अगर मुकाबला कर रही तो नुस्खा ही को ही तवक्कल अल्लाह, उम्मीद के उत्ते रखनी है। बोलो यार सबक भी अल्लाह पैगंबर नु आप सिखाए ते पैगंबर उस उत्ते अमल भी करे ते वत भी यहूदियां दे मंत्र तो मुहम्मद न बचे, तो फिर रब दे नुस्खे दसे दा कोई फायदा है, है जे मुहम्मद करीम नु अल्लाह नुस्खा दस के वत भी पैगंबर नु महफूज न रखे, वो तो पैगंबर आई असा केड़ी शाय है, साडा तो खुद ब खुद कुरान तो यकीन उठ ही जा रहा है कि कुरान ही आधा पे है मोहम्मद नु फारिज अलहुम, इनादी कोई खातिर दिल दिमाग के अंदर सवार करने की जरूरत नहीं, साड़ी बोली चादर बंदे बार बार आखन जी ओ अज तुहाडे खिलाफ दरखास्त गई पई ओ फलाना तुहाडे खिलाफ इंज पिया करदा ऐ पिया कर, सुन सुन के अखीर बंदा तंग हो के आदा यार चखे करो उस पर अल्लाह ने कहा
तंग हो के आते हैं चखे कर उच्चा बोलो यार चखे कर बार बार पैगंबर दी मुखालफत करे अल्लाह दा आ रे दा पर चखे कर इन जोर नु तैनू इना दी परवाह करने दी जरूरत कड़ी है तैनू जो नुस्खा दिता तवक्कल तू भरोसा कह जूते रख ते जे दी मोठे ते कण ते हाथ मैं रब दा होवे ओ मेरा मोहम्मद ओदा वाल ही डिंगा को कर सकदा नहीं कई गल पल्ले पई है के नहीं पई अल्लाह मुखालफत व हिफाजत दा नुस्खा बयान फरमाया कि उम्मीद कहीं उत्ते रखनी है वत इयो जाए पैगंबर ते किसे दा जादू चल सकदा है बोलो यार सारे बोलो जेड़े मंदे हो के मुहम्मद दी थक ते भी जादू नहीं चल सकदा ओ हाथ खड़े करो गैरत ईमान नाल नारा तकबीर अजमत कुरान अजमत मुस्तफा नारा तू एक मेरे ते भरोसा रख ते मैं अल्लाह कल्ला ही तैनू काफी हा तैनू किसे होर दे सहारे लवण दी जरूरत कोई नहीं वत एक दे अल्लाह ने सोने मुहम्मद करीम नू फरमाया मेरा सोना ये काम भी कर ते बाकी जड़ा है ना तेरी तसल्ली वास्ते दसेंदे पाया ते इंज समझ ये तेरे वास्ते भी है ते तै मुहम्मद दे मोमिन उम्मतियां वास्ते मैं रब वल्लो तोहफा भी है केड़ा ओ लैसे तोहफा मुसलमान ते तोहफा कौन भी देता है सनुल्की फी कुलूबिल्लज़ीन कफरो रुब बीमा अशरको बिल्ला अल्लाह फरमादा मेरा सोना पैगंबर इन तेरे मनन वाले भी मैं रब दी साते तवक्कल रखन वाले होए मैं अल्लाह ते उम्मीद रखन वाले होए उम्मीद यो नी है कि बंदा दिल दे अंदर यकीन पैदा कर ले कि मेरे नफे ते घाटे दे मालिक कौन है खुशियां ते गमियां दे मालिक कौन है उजाड़न ते वसाउण वाला कौन है रोवण ते हसाउण वाला कौन है कबीर आले जो कलीमुल्ला नु तोरण वाला कौन है ते अज इस कच्ची जई हवेली नुमा मस्जिद दे अंदर बाए के रब दे कुरान नु पढ़न दी तौफीक देवण वाला कौन है ते अज तेरे मेरे दिल दे विचो सिद ते तौसल दी अनक कढ़न वाला कौन है ते मुहम्मद जैसे इंसान दी इज्जत ते कदर करने दी तौफीक देवण वाला कौन है अल्लाह करीम फरमाइंदा है मेरा पैगंबर जिन्ना बंदिया ने मैं रब दी जात ते उम्मीद कामिल दर्जे दी पैदा कर ली ओ भावे कल्ला भी क्यों नहीं आए ओदे नाल लगते रहिंदे भी कोई नहीं है ओदी कंध उत्ते माली ते पीरां दा भी हथ कोई नहीं आए और मुसलमानो अल्लाह दी जात दा वासा ही ने मैं पता नहीं दोबारा तेरे नाल मेरी मुलाकात होवे या ना होवे पता नहीं जिंदगी वफा करे ते या ना करे मगर अल्लाह दी जात दा वासा ही ने जे कलीमुल्ला रब दा कुरान सामने रख के जान के तेनू कुरान दे खिलाफ कोई मसला सुना वैंदा है या कुरान ते जान के माथा कर जाए मेरी अल्लाह दंगे दुआए अल्लाह शला कलीमुल्ला दी जबानी थाई बंद कर दे थोड़ा जिया खुदा दा हया दिल दे अंदर पैदा कर अल्लाह फरमांदा है मेरा मुहम्मद अपने मोमिन उम्मती नु मैं रब वल्लो तोहफा नसीब कर दे ओनु
فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب جندے دل دے اندر میرے قرآن دا حیا پیدا ہو گیا میرے محمد مصطفیٰ دا حیا پیدا ہو گیا جس نے دل سارا میں اللہ دے حوالے کر چھوڑیا ہے میں رب دی قسم ہے میرا پیغمبر ہو جی عقل بھی کیوں نہ رہن والا ہوئے ہو جائے بندے مومن بھی مشرک دے دل دے اندر میں اللہ اتنا روب پیدا کر دینا ہوں کہ مشرک کبھی ہوتی عزت دے میرے بھی لگ سکتا نہیں ہے اللہ فرماندا ہے مومن دی حفاظت میں اللہ خود فرما چھوڑا الرعب روب تے جان دے ہو ہے جان دے ہو روب دعا مانا آسان لفظ روب دے ہوندا ہے جتھے بغیر بولے دے کام ہو جاوے جتھے بولن دی ضرورت انجے تھوڑا جی بندہ آنکھ کوڑی چا وی کھیندا ہے رام چا وی کھیندا ہے اللہ فرماتا ہے سنلقی اساں ڈال دینے آئے کنا لوکاں دے دل دے اندر فی قلوب الذین کفروا طویل فروش مشرکین دے دل جو روب طویل فروش کون ہیں جڑے فروش کرے نے او کون ہیں تے جڑے بدھی بیٹھن او مسلمان ایک آدمی زانی ہے او تے زانی ہو گیا زنا پیا کرندا ہے تے جڑا زنا دا اہتمام کر کے دیندا پیا ہے او کے حاجی ہے او اس نالو ڈبل مجرم ہے لوگ اونوں زانی نہیں آدن اونوں آدن دلا کیا آدن بولو لو دلا نہیں سی آدن جیڑا عزت دا بھڑوا ہوندا ہے اللہ کریم فرمیندا ہے جیڑا تویز بیٹھا دیندا ہے انج سمجھو اے دلا ہی نے جیڑا میں رب دی توحید دی مخالفت بیٹھا کریندا ہے بابے نو باہا چھڑیا کی نہیں بدھی تو نہیں ہوندا اللہ کریم فرمیندا ہے جیڑا مومن بندا ہوندا ہے توکل علی اللہ امید رکھدا ہے تو کہندے اوپر رکھدا ہے اللہ فرماندا ہے جڑا انج دا مومن بننا ہوندا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ اللہ فرماتا ہے جڑا میں اللہ نال شرک کرن والا ہے جڑا مولا دمن کے سڈ مارن والا ہے خدا چھوڑ کے یا یار یا چودہ یا ستارا ہارا یا محبت والا اللہ فرماتا ہے مشرک مشرک ہی ہوتا ہے مشرک والا بے غیرت بوجھ دل ہوتا ہے تے مومن جرات بہادری والا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے جے پورا پاکستان دے ملت تے پیر تے اکابر تے مفتی وی رل کے آتے رہ جاوے کہ علامہ مسید گستاخ رسول ہے لوگوں نو آتے رمل کے منکرین حدیث آئے لوگوں نو آکھل کے جناب تا اکابران دے دشمن ہے لوگ آکھل کے دو تے ایک نہیں بلکہ پنج موت اتفاق لگائے جاوے اور سارے ملہ ہارا ہارا کھت کے آتے پہے ہوئے کہ ام سید نو سزائے موت ہونی چاہی دی ہے اللہ فرماتا مومن شیر ہی شیر ہوتا ہے پھاویں اندر ڈکیا بھی کیوں نہیں
खलोता मगर मैं अल्लाह का वादा है मुशरक पारों टोकदा तो रह रहेगा मगर मोमिन की इज्जत मैं लगातार नहीं होने देना अल्लाह फरमाता सारी दुनिया उन्हें पाड़ा नहीं गई मगर मैं रब से उम्मीद रखने वाले को मैं अल्लाह करीम ने दुनिया पे बाइज्जत भरी करके खा छोड़ा पैदा करे भावे सारा थका भी कवर चट्टों का क्यों न होवे असा मोमिन की इज्जत की हिफाजत खुद फरमा छोड़े ने फरमाया बोलो यार मेरा वजूद तुहाडे सामने नजर आंदा पिया ही ने ओ जिन्हां मैं नजर आंदा पिया ओ तो इंज करो यार मेरा वजूद वेथे पए ते मेरा अक्सर दोस्तों का मेरे उत्ते शिकवा यह होता है पहला तो यह भी तू मुडू साढ़े को रोटी खाता नहीं जे खावे ही सही तो अद्धी क रोटी खाना है पता नहीं तू जींदा किवें वधा मैं उन्होंने आता होना कि मैं कुछ योजा लोग होते जेड़े जीवन वास्ते खाते तो कुछ योजा लोग होते हैं जेड़े खावन वास्ते जीते होते जिन्हों का मकसद ही होता है खाव मेरा वजूद भी तुम्हारे सामने ओ भाइयों मैं 50 साल का हो रहा हूं 16 मार्च में मैं पूरे 50 साल का हो रहा है मगर ये अल्लाह मैनू नहीं बता है मैनू रोटी खवाइंदा पिया है हत भी वेख तेरे सीने ते चढ़ के गज के कुरान बैठा पढ़ के सुनाईदा मैनू कोई डर फिक्र नहीं कोई खौफ और खतरा नहीं है क्योंकि मेरा ईमान कुरान पे है ला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा मौत और हयात का मालिक कौन है इस वास्ते बात आउना जेरे तानू तवीज देंदे हैं जेरे पाछे फूके चलाइंदे हैं कलीमुल्ला उन्हां दा कोई भड़िया नहीं लगदा मेरे उत्ते कोई फूका चलाए मेरे उत्ते कोई मंत्र चलाए मेरे उत्ते कोई तवीज चलाए मेरे उत्ते कोई टोरे टपल्ले चलाए अगर उन्हां दा तवीज मेरे उत्ते वंजे चल मेरा मजहब पूरा ओ सच्चे अगर कलीमुल्ला दी थक तो तभी किसे दा जादू न चले फिर अपने मौत उत्ते पुठे पुछे रखे मन के कुरान भी सच्चा है मुहम्मद भी सच्चा है तो कलीमुल्ला खान भी सच्चा है मेरे तो कोई तवीज चला है मेरे तो क्यों नहीं चलता मेरे दो सिर हैं मैं भी तुहाड़े वर्गा इंसान हूं मैं तुहाड़े डर दे कठण दी वजह तू गल बैठा करदा वे डरे ना करो ए खौफ ना कीता करो अगर इन्ना चीज़ें कोई असर होंदा तो सानू मौलवियां ते जादूगरों ने कदों तो रड़े के खा गए होया इंजे होना ही कि नहीं है तो तुस क्यों डरते हो मुंह च रखी बैठो सी ना सवार ता चेते च बैठा है ओए होए ये झूंडी बंदे नू ना ना मिले नसवार रखण वाला छिता हो गई ओनू कोई अपने पराए की तमीज मैं सही बात है मैं अखा नाल वेख्या पठान हन वो लेबर आई भट्ठे ते वो भट्ठे वाला जरा मुंशी आई वो साडा कोई जमाती दोस्त है खैर बार उत्थे क्यों वो पठान जनाब थोड़ी देर गुजरी तो उन्हें एक दुए नू सिलना चाह चाह के ठोकी मैं वो मुंशी नू आख्या मैं यार तेरी लेबर आले बंदे ते लड़दे खलोते वह वेख के हसन लग गया उस्ताद जी परेशान ना हो मैं मालूम होता इन खनजीर दिन सवार मुक गई हो गया उन्होंने झूंडी झूंडी दी उदो टिकाने ते आ गए अल्लाह अल्लाह
सब तो पहले रब तक पैदा करो, बोलो अल्लाह दे कुरान नाल पैदा करो। ये कुरान तुहाड़े साडे घर च हेक रही है, ये सिर्फ कुलखानियां वास्ते आया, खत्मा वास्ते आया। यार कुछ तो हया करो, मौलवी नू कदी इतना तो आख्या करो, ओ लानत पवे तेरे ते खुदा दी, टुक्कर तेनों सा खवाई रखा है, रब दे कुरान नू मुर्दिया दी कबरां ते ना रो, ये दिबे अदबी तो ना कर, ये दिबे इज्जती तो ना कर, तू जिवे आखसे तेनों खवाई सा है कुछ तो हया कर, भौक दे हिस्से नू है ते टुक्कर भी हिस्से दे ना दिखा दे। अल्लाह 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 करीम ने फरमाया, पांच सात मिनट और ला लवा जी, बुलेंदे ने पे यार और मेरे पिछले भिरा जड़े बैठे ना जेड़े कद ना लगे बैठे ना मालूम होता हूं चोरी तो फदी के आ गए। पांच सात मिनट और ला लिया। अल्लाह करीम फरमाता है मेरा सोना मोहम्मद इन्हों मैं अल्लाह वालों तोहफा नसीब कर दे के जिहड़ा बंदा मैं अल्लाह ते उम्मीद रखन वाला होवे इहो जिहे बंदे दी दुनिया ते मैं अल्लाह कंड कदी लगन दिंदा नहीं हां लिहाजा मेरा सोना मुहम्मद रसूलुल्लाह ये लोग जड़े आते हैं के मुहम्मद करीम मुतशद्दिद ये सख्ती करेंदा है ये किसे नो भी माफ नहीं करदा इसे वजह तो मुस मुतालबा ए किताब ये तबे कुरान खैर ए मोहम्मद कुरान वापस कर दे क्योंकि इस कुरान के अंदर तेरी सख्ती है औ बदल या इसे दे अंदर तब्दीली पैदा कर दे तू जिथे रहना है हिक्का ना करे मैं हिक्का ओ जिवें आदे हिक ना ते कितने सुख इयो तो दुनिया और रब दी कलाम में फर्क है। दुनिया दी कलाम में पहले हाँ होती है ते रब दी कलाम में पहले ना होती। अल्लाह दे पाक पैगंबर नू अल्लाह करीम ने फरमाया तवज्जो करिया हो अल्लाह करीम फरमांदा है मेरा पैगंबर इन्हां नू मैं रब दी ममलूकत हुकूमत तारुफ करा इन्हां नू समझा दे ला यतकल्लमूना ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़न लहु रहमान यतकल्लमूना ओदी इजाजत बगैर तो ज़बान ही हला सकदा बोलो यार ओदी इजाजत बगैर ओदे हुक्म तो बगैर तो कोई बोल सकदा गुंगे करन वाला कौन बोलो पैगंबर बोल वाला है अल्लाह का पैगंबर है अल्लाह को मंगा रहा है अल्लाह मैनू बेटा दे साले बेटा दे ताकि मेरे दीन ते मन सब दा वारिस होए जिए मैं तैरती तो ही डंके की चोट ते बयान करना इंज मैं पुत्र इंदा दे जरा मैं प्यो दे दीवे नू बालन वाला होए दीवे नू बुझावन वाला ना होए मेरी मेहनत नू शायद बर्बाद कर वाला ना होए जेड़े मिजाज दा बंदा होंदा है उस नू उस दे मुताबिक औलाद की जरूरत महसूस करदा है अल
अल्लामा अहमद सईद खान जी सारी जिंदगी रब दे दीन दी खिदमत कीती है। उसने इस वजह तो औलाद नु डॉक्टर ते इंजीनियर नहीं बनाया, उन्हां नु एमपी ते एमएमए नहीं बनाया, बल्कि उन्हां नु तालीम ते तरबियत रब दे कुरान दी कीती है। ताकि जे मैं तुरली वन्ना तालीम मेरा पिछू दीवा बलदा रह जावे। इन्नी जुगरी जे पैगंबर भी आता है रब्बे हबली ए मेरा अल्लाह मैनू कलिया दुनिया ते ना मार, मैनू एक पुत्र च दे ताके मेरा पिछू दीवा बालन वाला होवे। खैबर अल्लाह ने फरमाया इन्ना मुबशर कद गुलाम, असा तेनू खुश खबरी देंदे पए आ, तेनू पुत्र देवण दा फैसला फरमा रिहा है। इसमू याहिया तेनू पुत्र ही इज्जत देंदे पए आ, जिंदा ना भी मैं अल्लाह ने अर्श तो रख छोड़ो, तेनू बेदरी देते पे। अच्छा अल्लाह सैया ये तो ठीक है, मैं भी बुढ़ा मेरी बीवी भी बांग, पुत्र तो तू देता पे, मगर पुत्र ते दुनिया ते आवन दी कोई निशानी तो दे। जदा खुदा नाल गहरा ताल्लुक होवे तो मत गलना लूट वाली भी अल्लाह बर्दाश्त कर दे। अल्लाह ए तो मैनू पत्थर के पुत्र तो तू देवण, मगर कोई ओदी निशानी तो दे। अल्लाह फरमांदा तवज्जो कर, निशानी तेनू कहीं देंदे पए आ। अपनी जबान का मालिक नहीं होता, ओदी मर्जी पवे तो बंद करा दे, ओदी मर्जी पवे तो बंद हो खोल छोड़े। यार उसले बड़ी चस आती है जेले दिल चुल्ला निकल ला अल्लाह।
मालिक कौन है, खुशियां ते गमियां ते खजानियां ते मालिक कौन है। यस्तजीब लाओ इला यौम القيامه, मर गए मेरा मोहम्मद क्या मतोरी कहदी सुन नहीं सकदे। ला यसमाओ दुआ को वलो समियो मस्तजाबो नको। ला अंदर वड़दा पे के निकलदा पे है, ये वड़े सी तइए समझो मोहम्मद दे एहसान अली कदर, क्योंकि मोहम्मद दा एहसान शुरू ही थो होंदा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक ला ना अंदर वड़े इन्हें समझो इसने मोहम्मद दे वजूद दी इज्जत दे कदर है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दुआ अना अलहम्दुलिल्लाह।